अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देवभूमि कुल्लू जिला के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देवी देवताओं का महाकुंभ और देश विदेश की संस्कृति की झलक दुनिया देखेगी। ये जानकारी दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार के दशहरा उत्सव को भव्य बनाने के लिए दशहरा उत्सव समिति द्वारा 332 देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले सालों की अपेक्षा सर्वाधिक देवी देवता दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे। एक दर्जन से अधिक देश के विदेशी सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, म्यांमार, रशिया, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड सांस्कृतिक दलों की कंफर्मेशन हुई है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार के दशहरा उत्सव का शुभारंभ हर साल की भांति राज्यपाल करेंगे और समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है देवाज्ञा अनुसार। और आपको बता दें कि इसमें मुख्य आकर्षण जो देवी देवताओं का समागम है, उसके लिए 332 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। देवी देवताओं के लिए बेहतरीन इंतजाम हो, इसके लिए हमारे प्रशासन और हमारे सभी विभाग, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन, सभी तत्पर हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रथ यात्रा का समय पर शुरू होना के लिए जो है मुख्य छड़ीदार पहले ही कह चुके हैं कि समय पे उसको शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पिछले सालों से जो ये कैनोपी और जो सारा यहाँ पे इंतजाम किया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जो है कल्चरल परेड उसका आयोजन 14 तारीख की सायंकाल में किया जाएगा और उसके साथ में कुल्लू कार्निवल 19 तारीख को किया जाएगा। 18 तारीख को जो है एक फ्यूजन कार्यक्रम रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और हमारे स्थानीय कलाकारों के एक समावेश फ्यूजन जो बनेगा उसका बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे देशों के जो राजदूतों का एक यहाँ पे सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हम इसकी जो अध्यक्षता करेंगे। तो एक जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय देशों के जो राजदूत, कल्चरल ट्रूप्स और आर्टिजन्स जो हिस्सा ले रहे हैं, इन सबको अगर गिनती जोड़ी जाए तो ये लगभग 25 से अधिक देश इस बारी हिस्सा लेंगे और अलग अलग समय पे उनके कार्यक्रम होंगे। उसके साथ में स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौका मिले तो दो स्टेज सजाए जा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि स्टेज कला केंद्र और रथ मैदान में है। उसके साथ में ग्रामीण खेल उत्सव भी किया जा रहा है, जिसमें जो है इंडिया लेवल का कबड्डी और वॉलीबॉल मैचेस खास तौर पे हो रहे हैं। फिर उसके साथ में ग्रामीण खेल उत्सव में कबड्डी और वॉलीबॉल होगा, रस्साकस्सी भी होगी, महिला मंडलों के जो यहाँ पे लालड़ी का कार्यक्रम भी होगा। ऐसे में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम के आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस बारी बहुत बड़े स्तर पे ये दशहरा मनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार, प्रशासन और सभी विभाग दिन रात एक किए हुए हैं। आपके माध्यम से मैं जहाँ सभी को जो हमारे दर्शक हैं आपको इस दशहरे में आने के लिए निमंत्रण भी देता हूँ और वही अग्रिम बधाई मैं आज देना चाहता हूँ। स्टार कलाकार बहुत सारे यहाँ पे आने वाले हैं, जो आपको एक सूची दी जाएगी और उसके साथ में जो है हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार है उनकी भी सूची आपको दी जाएगी। इस बार बहुत विविधता है, बहुत कुछ होने जा रहा है, आप देखकर ही विश्वास करेंगे। ऐसे में हम कुल्लू वासी सभी मेहमानों के स्वागत के लिए बिल्कुल तत्पर है और पूरे सरकार और प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। जो हमारे माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश होंगे और समापन के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश होंगे और रोज जो मिनिस्टर्स है शाम के कार्यक्रम में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बड़े स्तर पे दोपहर को और शाम को ये कार्यक्रम होंगे।